आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम। कल से मनीष कश्यप का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब मनीष कश्यप जेल से बेतिया कोटपेशी के लिए आते हैं तो उसका वीडियो कल से काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए तमाम इस वीडियो के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और इसकी सच्चाई मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप जान लीजिए, मैं हूं दुर्गेश और आप जुड़ चुके हैं DNY न्यूज के साथ। जैसा कि आपने पहले भी वीडियो क्लिप देखा होगा, मनीष कश्यप जब बेतिया के कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आते हैं तो अचानक से उसका वीडियो वायरल होने लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप पहली बार तो तमिलनाडु के जेल में थे और उसके बाद से तमाम अर्जी देने के बाद मनीष कश्यप के परिवार वालों की तरफ से ये अर्जी लगाने के बाद कि मनीष कश्यप को आखिरकार बिहार के जेल में रखा जाए और आखिरकार मनीष कश्यप की अर्जी सुनी गई और तमिलनाडु के जेल से मनीष कश्यप को बिहार के बेऊर जेल में रखा गया। और आपको ये भी बता दें कि मनीष कश्यप हर 14 दिन पर हर महीने जो है कोर्ट में पेशी के लिए आते हैं। और इसी तरह से कल भी मनीष कश्यप पेशी के लिए जब कोर्ट परिसर में आते हैं तो हर बार की भांति इस बार भी मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमाम नेता प्रतिनिधियों से लेकर उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो करीबी है, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार और तमाम उनके मीडिया कर्मी भी चाहने वाले, तमाम यूट्यूबरों से लेकर बड़े बड़े चैनलों वालों ने भी उनसे मिलने के लिए पहले से कोर्ट परिसर में आस लगाए हुए थे। तो जिस तरह से आप हर बार देखते हैं कि जब भी बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप पेशी के लिए आते हैं तो हर बार जो है उनसे मिलने के लिए काफ़ी सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ पहले से जुट जाती है और मनीष कश्यप का एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं। इस बार भी कुछ यूं ही हुआ। जब मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए आते हैं तो कई मीडिया कर्मी पहले से अपना कैमरा ऑन करके रखा हुआ रहता है और मनीष कश्यप का वीडियो अचानक से वायरल होने लगता है। और चलिए अब हम उन तमाम वीडियो पर चर्चा करेंगे जो मनीष कश्यप का वीडियो कल से वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप हाथ में हथकड़ी लगे हुए हैं और हाथ ऐसे उठाकर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बदल दो बिहार को, बदल दो बिहार को, और बिहार को बदलने की ज़रूरी है। मैं भी एक फौजी का बेटा हूं और मैं भी बिहार को चलाकर दिखाऊंगा, मैं भी बिहार को चलाऊंगा और बिहार को चलाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से बिहार को चलाया जाता है। मेरा भी बाप फौजी है और वो भी देश के बॉर्डर पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके लगे हुए। और आप एक वीडियो ये भी देखे होंगे कि मनीष कश्यप अपनी माँ से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी माँ से मिलने के दौरान वो कह रहे हैं कि भले ही आज मेरी माँ की आंखों में आंसू है लेकिन आप लोगों से, पूरे बिहार वासियों से मैं ये वादा करता हूँ कि जब मैं जेल से बाहर निकलूँगा तो मैं सैकड़ों हजारों माँ बहनों की आंखों के आंसू को पोछूँगा। जी हाँ, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप के इस तरह की बयान पर, मनीष कश्यप का जो ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सही में मनीष कश्यप के अंदर आज भी वो ऊर्जा मौजूद है जो पहले से जेल से बाहर रहने के दौरान मनीष कश्यप जिस तरह से तमाम अलग अलग जगहों में पूरे बिहार में घूम घूम कर
नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूँ, और एक दिन हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार। इसी तरह की वीडियो वायरल होते हुए मनीष कश्यप का नजर आ रहा है। एक वीडियो ये भी वायरल होते हुए नजर आ रहा है, आपने देखा होगा कि बिहार के जेल की पोल खोलते हुए भी मनीष कश्यप नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि बिहार के जेल में गांजा चरस बीड़ी सिगरेट से लेकर तमाम वो नशीले पदार्थ जेल में जाता है और हमारे मुंह पर जो है सिगरेट पीकर गंजेरी नशेरी लोग धुआं उड़ाता है और मेरा माथा दर्द करने लगता है। तो तमाम इस तरह की वायरल हो रहे वीडियो पर आप लोगों का क्या विचार है? तो मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलेंगे तो सही में वो 2024 में चुनाव लड़ेंगे, और क्या सही में वो नेता बनकर ही, विधायक सांसद बनकर ही इन बिहार के भ्रष्ट नेताओं को जवाब देंगे? और जिस तरह से वीडियो में वो साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं भी बिहार को चलाऊंगा और मैं भी बिहार को चलाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से बिहार को चलाया जाता है, तो इस तरह की मनीष कश्यप की बयान को लेकर क्या आपको लगता है कि सही में मनीष कश्यप के अंदर कुछ बड़े ही बड़ी सोच चल रही है? और क्या आपको लगता है कि सही में मनीष कश्यप को ये चाह है, मनीष कश्यप के भीतर ये सोच है कि वो पूरे बिहार की नेतृत्व करना चाहता है, और अगर वो 2024 में इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो किस तरह से आप लोग उसको देखते हैं? क्या सही में मनीष कश्यप को आप सपोर्ट करते हैं? क्या सही में मनीष कश्यप को बिहार का पॉलिटिक्स में आप देखना चाहते हैं? क्या मनीष कश्यप, जो कल तक बड़े ही चर्चित स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, क्या आप उनको एक बिहार के नेता और एक सच्चे नेता के रूप में देखना चाहते हैं? तमाम इस तरह की प्रतिक्रिया, तमाम अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। हाजत में गांजा से लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मनीष कश्यप का जो वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से मनीष कश्यप कई बिहार की सच्चाई को बताते हुए और बिहार के जेल में भी क्या कुछ चल रहा है, बिहार के नेताओं के बारे में किस तरह से वो भड़ास निकाल रहे हैं और तमाम तरह की पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो के ऊपर क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं? तमाम तरह की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए DNY न्यूज़ के साथ। अभी तक DNY न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार। I'm going to go to the next one.